कि फिर ये हम अल्लाह ताला से ये समझते हुए कि वो बेहतरीन जी मुस्तनद फिर ये हाथ में आकर फिर उसको उसकी तब्दीली के लिए क्यों बात कर इनके लिए कोशिश क्या अगर मुकद्दर है तो कोशिश क्या ये क्या सवाल यह है कि पहली बात अपनी जात के अंदर इंसान को मुखलिस होना चाहिए मुखलिस सिंसियर अगर आप मानते हो कि ये मेरा मुकद्दर है कहते तो मैं दुआ करने की जरूरत नहीं तो उस शख्स का आप मसला डाल जा रहे हैं जिसने सुना तो है कि ये मुकद्दर है लेकिन माना नहीं अगर मान जाए इंसान तो फिर तो वो सवाल नहीं बदलोगे तो इससे जो शख्स ना माने और सुना उस आदमी के लिए ये नतीजा है कि आप कोशिश कर लो अगर कोशिश कर लो हालात को बदलने की जो चाहते हो हासिल कर लो लेकिन अगर तुम हासिल ना कर सको तो वो तेरी लिमिट है लिमिट भी अंदर पहुंच जाओ तो राजी हो ये बात समझ आई मतलब आदमी दौड़ लगाए लगाओ रिकॉर्ड अपने बेहतर करो लेकिन आगे तुम जा नहीं सकते ये हद है हर वो दौड़ लिमिट जानते ना कि जहां हद आ जाती है कि हद के आगे तुम्हारी दस्तरस नहीं है मतलब यह है कि आप इसको याद रखने वाली बात है अपनी कैपेसिटी की हद तक जरूर पहुंचो और अगर ना पहुंच सको तो फिर ये दिल के नतीजे है कि हम चाहते हैं कि अपने हालात को बेहतर करो करो और बेहतर करो करो लेकिन तुम देखोगे कि एक वक्त आएगा कि तुम बेदाम हो जाओगे इससे अग्नि होता कि तुम खाओ नीमते पड़ी हैं जरूर खाओ लेकिन सेहत की वजह से बीमार होने शुरू हो जाओ तो फिर ना करो फिर ये कहो कि मैं एक लिमिटेड इंसान हूं लिमिटेड ख्वाहिशात है और उन ख्वाहिशात को लिमिटेड अंदाज में पूरा कर सकता हूं तो फिर कम अज कम तो स्कीम की दौलत हासिल करो असली दुआ यह करो कि या अल्लाह हमें वो जिंदगी दे कि हम राजी हों अगर तेरे अंदर हसरत है दुआ कर या अल्लाह एक दो सितारे और एक दो चांद मेरे नाम लगा दे जब सैर करने जाऊंगा पर तुम नहीं जा सकते तो चलने दो बेचारे मुसाफरों को अब वो आदमी जो हसरत रखता है उसकी सारी परेशानी है हसरत तो ना रखा करो प्रैक्टिकल लाइफ करो कि भाई ये खाच है ये मकान है जहां पर होना चाहिए कर लो नहीं मानता तो चलने दो तो मकसद यह है कि दुआ करना इसलिए लाजमी है कि अगर मेरे अमल में कोताही है या अल्लाह कोताही अमल को मेरी दूर कर तू जो करता है उसका मानना वो बेहतर होता है लेकिन मेरे लिए कुछ बेहतर समझ नहीं आ रहा मैं ये कहता हूं कि सब जरूरत है पानी की प्यास ज्यादा तू प्यास बुझा पानी से बुझा के प्यास से बुझा दे तू बालक है मकसद पानी से नहीं है मकसद से है प्यास के बुझने से जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तकदीर का मजमून समझाया उनकी प्यास बुझा दी आप ये नहीं कह सकते मतलब अल्लाह को राजी करना है जान बचा के राजी कर लो जान दे के करना पड़े फिर राजी कर लो अब देखने वाला बड़ा परेशान होता है कि ये क्या अल्लाह को राजी किया है जान नहीं दे बेटा वो तो अल्लाह राजी कर लिया इसलिए सिंसियर हो सिंसियर वो आदमी होता है जो अपनी जिंदगी का एक तबसरा रखता है अपने लिए जायज कि मैं जहां तस्कीन पाऊंगा वहां पहुंच जाऊं किसी वजह से ना पहुंच सको तब वहां रुक जाओ जब रुक जाओ तो फिर अल्लाह तआला से दुआ करो दुआ इसलिए होती है कि या अल्लाह मेरे हासिल पर मुझे राजी रख ये छोटा सा फिक्र है याद रखो या अल्लाह मेरे हासिल पर मुझे राजी रख जहां मैं पहुंच गया वहां राजी रख बहुत सारी बातें जो मुझे मिली हैं मेरी समझ से बाहर मतलब है कि रिश्तेदारी होगी लोगों के साथ रिश्तेदारी होगी मियां बीवी कैसे हो गया क्या मुसीबत होगी अब बात क्या कि तुम्हारे साथ नहीं हुआ हर एक के साथ ऐसे होता है
इंसान जो है मतलब वो रिश्ते करता है, पता नहीं इससे क्या निकलेगी बात। ये अल्लाह ताला के काम है कि वही बताता है क्या निकलेगा। वो एक कैरियर तुमने चुन लिया कि ये कैरियर हम बनाएंगे, अब इसे बेस्ट कैरियर चुना, पता चला इससे बेटर भी बात थी, अब तुम नाकाम हो गए कामयाबी के बावजूद। ये बात समझाइए, कामयाब तो हो गए लेकिन जब ये कहा जाए कि इस कामयाबी के अलावा बड़ी कामयाबी थी तो तुम कर सकते थे कि तो ओ आई हैव मिस्ड द चांस। कामयाब बनाने के लिए क्या करा, उदासी आ गई कि आई कुड हैव डन दैट, तो आई कुड हैव एंड आई वुड हैव, तो इतने भी ख्याल आते हैं सारे सोचना है। काश मैंने ऐसा किया होता, काश ऐसा न होता। जब ये मकाम आ जाए तो वहां दुआ का मकाम, अल्लाह तुझे तो पता है कि तेरे हुक्म के मुताबिक हम चल पड़े पाटनाई के बगैर, अब तू हमें तस्कीन दे। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए। वो अभी बड़ा आपने तलावत की क्या, जिन लोगों पर मुसीबतें आती हैं वो लोग राजी होकर कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से आए हैं वहीं से लड़ेंगे। जालो तेरा माल था तू ले गया, वो किसी की मौत से ज्यादा हो गया और गिरी था ये हो गया, मेरा माल दूसरा बंदा नहीं लेके जा सकता, जो ले गया वो उसका था। अगर आप ये असूल मान लें तो फिर आप ये कहते हैं इन्ना लिल्लाह, अल्लाह ताला कहता है सब्र करने वालों के मैं साथ हूं। राजी करने के लिए जिंदगी दे के राजी करो, जिंदगी बचा के राजी करो। मुद्दा जिंदगी बचाना नहीं है, मुद्दा क्या है राजी करना। डियर लॉर्ड ऑलमाइटी खुदा क्या चाहते हो, कहते मैं चाहते हो तू जिंदा रहे। बड़ा मुश्किल सवाल आने के जिंदा रह देखे, कहते मेरे हुक्म ये तू जिंदा रहे, अब तू जिंदा रह के बता ये राजी। वो कहते रुख्सत आजा, कहते हूं तो जिंदगी की बात समझाई थी, अब आपने बुला लिया, अब ये राजी। ये याद रखना, ये नहीं है कि जहां है समझे बगैर कहो कि ये तकदीर हो रही है, ये तुम्हारी हिमाकत हो रही है। कहीं कोताही ये तदबीर को, क्या कहा, कोताही ये तदबीर को तकदीर न समझना। ये बात समझे, तुम्हारी तदबीर की कमी है, ये तकदीर नहीं है। तो अपनी कोताहियों को तकदीर न कहा करो, ये कोताही है। तकदीर वो जो कोशिश के बावजूद है, तमाम हिफाजत और एहतियात के बावजूद है, दरवाजा तो बंद करो दुश्मन के मुकाबले वाला। बात से नहीं, वो क्या होता है किले का दरवाजा बंद रखो, दुश्मन हमला ना करे, अब अंदर से दुश्मन बढ़ जाए तो अंदर से कोई मौत आ जाए सांस रुक जाए तो ये तो फिर और बात है। इसका तो दुभाग को दिया हमने, बात से नहीं आप राजी। तो ट्रस्ट गॉड, क्या कहा, बट कीप योर पाउडर ड्राई। ये मशहूर बात, क्या कहा, खुदा पर एतबार करो, भरोसा रखो, गंद पाउडर रखो खुश्क रखो, जरूरत पड़ी तो गंद चला देंगे लेकिन एतबार करो भरोसा रखो। तो भरोसा ये नहीं है कि गंद को बेच दो, दरवाजे खुले छोड़ो तो चोर बेचारा बड़ी मुश्किल से पागल हो जाएगा कि जब बार बार ये दरवाजे खुले रखता है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इसी घर में, तो वो फिर करेगा। उसने चोर को दावत देकर खुदा पर भरोसा करना कि डबल मांगे, माल की नमाज करते हो और अगर जो अल्लाह पर भरोसा है तो फिर अल्लाह ताला उसके दिल में भी तरत है ना, वो जो आया लेने के लिए उसको भी ले जाएगा ना, फिर एहतियात पूरी। तो तकदीर इजाजत का नाम नहीं है, तकदीर क्या है, आप इस तरह से पूरी हिफाजत करके फिर अल्लाह पर वो ऊट का एक घुटना बांध दो और फिर तवक्कल करते जाओ, उसको बांध दो। हाँ बोलो सवाल।